हेलो एवरीवन, माय नेम इज इंजीनियर अर्जुन सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लानिंग अच्छी करने के क्या फायदे हैं। सो लेट्स बिगिन। अब देखिए, हमने स्ट्रक्चरली और उस पर बात कर ली कि आपका स्ट्रक्चर बहुत ही साउंड होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनना चाहिए, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन जो पहली चीज़ होती है किसी भी ऑपरेशन में, वो होती है प्लानिंग। अब आप घर को देखिए, जब आप कोई प्लॉट लेते हैं तो उसको आप प्लान कैसे करते हैं? आप किसी आर्किटेक्ट को कंसल्ट करते हैं, लेकिन आपको आर्किटेक्ट को अपनी सारी बातें बता देनी चाहिए कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, उनकी क्या डिमांड है, फ्यूचर में वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि घर में एक किसी को अलग कमरा चाहिए, किसी को कोई प्लेइंग रूम चाहिए या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों का आप उनको आर्किटेक्ट को बताएं। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हम जिससे भी कंसल्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि उसके साथ एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को भी रखना चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या रहता है, उसमें आपके बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और प्लस बहुत सारे पैसे बचेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो मेजर एरर्स होते हैं कि पहले आपने प्लानिंग करा ली, उसके बाद आप गए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास। अब स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से इसकी यहाँ पे कॉलम आना चाहिए, यहाँ पे हम एक वॉल नहीं दे सकते या एक्सेट्रा दूसरी चीज़ें। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के और आर्किटेक्ट के बीच में। तो अगर आप दोनों का एक साथ में सामंजस्य लेके चलेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। फिर कई बार क्या होता है कि प्लानिंग हो जाती है, फिर आगे चल के मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें आप क्या, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, आप प्लानिंग पे खूब सारा टाइम दें। आप प्लानिंग पे भले ही महीनों लग जाए, लेकिन प्लानिंग पे इतना जोर दें कि आपकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट हो, उस पर आपको कोई डाउट ना रहे कि आगे चल के आपको कोई फिर तोड़फोड़ कराने की ज़रूरत नहीं है घर में कोई। आप फिर कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये वॉल तोड़वा लें, इसको इस कमरे को अंदर ले लें। आप पहले से ही अपने